इसके लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, तर्क भी करना पड़ता है जो जायज़ भी हो, लेकिन कई चीज़ों को एक दाई को, जो दाई होता है और वाकई उस सीरियस कि मुझे दीन का काम करना है, लोगों की हिदायत का जरिया बनना है, और जो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमको भेजा है और अल्लाह के रसूल सल्लम का जो तरीक़ेकार रहा कि उनकी सुन्नत पर चलना है, तो ये सबसे पहली सुन्नत ये है। आदमी सुन्नत का पाबंद होता है, कोई आदमी सुन्नत का पाबंद है, पूरा सब रख रहा है, दाढ़ी रख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, टकने से ऊँचे का लिबास को पहनता है, शरी कपड़े पहनता है, सब कुछ उसके पास में, अखलाक सही है, नमाजें सही हैं, तहज्जुद गुजार है, सब कर रहा है कि मैं सब सुन्नत को फॉलो करता हूँ, सारी सुन्नत। लेकिन सबसे पहली सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लम की क्या है? दावत देना। क्योंकि सबसे पहले आपने दिया दावत, तभी तो हमको मालूम है कि वह नबी हैं। उन्होंने सबसे आके पहले कहा कि सबसे पहले उसी बात की दावत दी कि मैं रसूल हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ। तो सबसे पहला तरीका उनकी सुन्नत है दावत देना। तो इसको छोड़कर दिगर सुन्नतें तो हम देखते हैं, सभी वो करते हैं, लेकिन असल सबसे पहली जो सुन्नत है वो दावत देना लोगों, तो ये सबसे पहला काम उसका है। तो इसके अंदर आदमी को सोच सबसे पहले ये कि ये सुन्नत को कैसे फॉलो किया जाएगा, नहीं तो ये सुन्नत रह जाएगी। आदमी तो तमाम लोग काम करते हैं, वो पूरी ज़िंदगी उनकी अखलाक के साथ सबके साथ गुजरती, लेकिन अगर दावत नहीं दी उसने और लोगों तक दीन को नहीं पहुँचाता है, तो सबसे पहली सुन्नत को वो अमल नहीं करता है। तो सबसे पहली सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लम की लोगों तो दीन को पहुँचाना और उनको समझाना, तो ये सबसे पहला। और कई चीज़ें होती हैं जो उसको छोड़नी भी पड़ती है, जबकि वो हलाल होती है, हलाल के बावजूद भी उसको छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? उसकी वजह यह है कि वो उसका दावत के ऊपर इफ़ेक्ट करती है कई चीज़ें। जैसे मिसाल के तौर पर जायज़ है, वो चीज़ जायज़ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जायज़ चीज़ को छोड़ना पड़ता है किसी चीज़ की वजह से। जैसे एक माँ है, अब उसके एक बच्चा छोटा है, 3-4 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, और उसकी माँ क्या करती है कि वो आइसक्रीम वगैरह ठंडी चीज़ें नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? वो इसलिए नहीं खाती कि अगर मैं ठंडी चीज़ें खाऊंगी तो फिर क्या हो, इसको दूध भी ठंडा जाएगा, और ठंडा दूध जाएगा तो इसको नज़ला हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो वो खा सकती है, उसके लिए हराम नहीं है कि आइसक्रीम ना खाए, उसके लिए कोई शरबत हराम नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? दूसरों के लिए, उस बच्चे के लिए नहीं खाती। तो एक दाई के लिए होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो उसके लिए हलाल है, लेकिन उस चीज़ों को उसको छोड़ना पड़ता है। क्यों? ताकि उसको वो तरबियत दे सके, उसको समझा सके, दूसरों को फ़ायदे के लिए उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है। तो दाई को पाबंद होता है कई चीज़ों का, उसको कई चीज़ों की कुर्बानी उसको देनी पड़ेगी। तो वो भी चाहता है कि मैं ऐसे लिबास पहनूँ जो आज मॉडर्न फैशन के हैं, मैं वैसे पहनूँ, कि मैं भी जीन्स, एक टाइट पेंसिल जीन्स पहनूँ, टी शर्ट पहन के घूमूँ, केप लगा के घूमूँ, दाढ़ी में वैसी रखूँ। लेकिन ये चीज़ें वो सब करता है, उसके पास इल्म कितना भी हो, लेकिन वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा अगर वो दावत देगा तो उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। हालांकि कोई वो नहीं है, वो पहन सकता है उसके लिए जायज़ है, वो टी शर्ट पहन सकता है उसके लिए जायज़ है, बाल स्टाइलिश रख सकता है उसके लिए जायज़ है, लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा अगर उसको दीन का काम करना है। क्योंकि उसके लिए फिर मुअज़्ज़ब नहीं होगा, सामने वाला उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सामने वाला उसकी बात को एक्सेप्ट करता है जो वाकई लगे कि हाँ दीन के लिए ये इसने कुछ कुर्बानी दी है, तब जाकर। क्योंकि हम देखते तो हैं लोगों को, हम क्या करते हैं, दावत देते हैं और हम कहते हैं इफ़ेक्टेबल नहीं हो रही, दावत देते हैं, समझाते हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं, कुरान से ही समझा रहे हैं, इतना मंतिक और तफसीर और सब चीज़ें बिल्कुल सही समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझ नहीं रहा। क्यों नहीं? और दूसरे जो है बातिल लोग आते हैं और उनके पास में ना इल्म है ना अकीदा है, उसके बाद भी वो जो है लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो वजह क्या है? वजह है कि उन्होंने उस जो जाहिरी जरिया था उसको उन्होंने अपनाया हुआ है, उनके अखलाक, उनके कपड़े, उनका लिबास, जो सब कुछ, तो इसकी वजह से लोग उसको मानते हैं कि हाँ वाकई में ये, क्योंकि दिख रहा है ना उसको। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस्लाम के अंदर जायज़ भी हैं, लेकिन एक दाई अगर उसको वाकई में काम करना है, और ये अल्लाह के रसूल सल्लम की सबसे पहली सुन्नत है तो उसको इस पर अमल करना है, तो कुछ जायज़ काम की कुर्बानी उसको देनी पड़ेगी, तब जाकर वो लोगों के लिए दावत का जो है जरिया बन सकता है। तो दावत और इस्लाह ये कौन सा काम है? ये अम्बिया वाला काम है, जो कि अल्लाह ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को, रसूलों को इसलिए भेजा दुनिया के अंदर के जाकर लोगों को अल्लाह के बारे में बताएं, उसकी मार्फत लोगों को दे, उसकी शान
उसकी कुदरत के बारे में लोगों को बताएं। तो दावत-ए-दीन ये अंबिया वाला काम है।